ओके फ्रेंड्स, सो माय नेम इज आवर एंड ब्रो, आज अपन वापस से ढूंढने वाले हैं माइकल ट्रेवर और लेस्टर बियाको, है ना। एंड आज अपन जाएंगे माफिया के बेटे के पास में, बिकॉज कल अपन वहां नहीं गए थे यार। आ जाओ एक बार। तो सबसे पहली बात जो तुमने नोटिस करी होगी वो है भाई फ्रैंकलिन द सेठ साहब की शक्ल देखो तुम यार, मतलब बिल्कुल ही बदल दिया है मैंने, है ना। इसको रीजन ये है भाई, जैसे कि तुम्हें पता है पिछले वीडियो में जब अपन गए थे माइकल ट्रेवर एंड लेस्टर को छुड़वाने, ठीक है ना, उनको ढूंढने के लिए अपन गए थे पुलिस स्टेशन, उसके बाद अपन गए थे मिलिट्री बेस, अपने को कहीं भी नहीं मिले वो लोग, है ना। एंड उसके बाद में भाई पुलिस एंड मिलिट्री दोनों मिलकर जम के पीछे पड़े फ्रैंकलिन के। वो तो अच्छा है ब्रो कि अपन ने अपना जो नया वाला घर है, ठीक है, पार्टी हाउस जो है वो सही टाइम पे खरीद दिया था, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। इसलिए आज अपन मस्त जिंदा खड़े हैं यहाँ पे, नहीं तो भाई हो सकता है कि अपन भी गायब हो जाते, ठीक है, इस दुनिया से। इसलिए तुम देख रहे हो ब्रो, मैंने फ्रैंकलिन का पूरा गेटअप बदल दिया है, शक्ल वगैरह बदल दिया है। फ्रैंकलिन माथे में मत घुस यार, शक्ल दिखा दे अपनी, क्या शर्मा रहा है। तो देखो यार ब्रो, पूरी दाढ़ी आड़ी उगवा ली है मैं, नकली वगैरह, ठीक है सब, ये सारी विक वगैरह पहन ली है ब्रो, इससे कोई भी नहीं पहचान पाएगा अपने को, है ना, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी तो देखते हैं भाई, बस हाथ जोड़े और चलते हैं अपन यहाँ से बाहर, ठीक है। अभी चलते हैं अपन नीचे की तरफ। एंड जिन जिन लोगों को नहीं पता है ब्रो कि अपना ये कौन सा घर है, ये मैंने नया खरीदा था भाई, 3 मंजिला स्पेशल घर है, ठीक है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है भाई, पूरे लॉस सैंटोस में, है ना। तो ये अपना बहुत सीक्रेट घर है एंड मेरे को नहीं पता भाई कि कितने दिनों तक और मेरे को यहाँ पे छुप के रहना पड़ेगा यार। एंड बिकॉज ब्रो अपने को माइकल जो है वो ना पुलिस के पास मिला है ना मिलिट्री के पास, तो मेरा भी पूरा शक जा रहा है वो माफिया के बेटे के पास में, ना बिकॉज उसको ना माइकल ने पिछली बार देखा था, वो भी लॉस्ट गैंग के साथ में। तो ब्रो मेरे को लग रहा है कि उसी आदमी ने लॉस्ट गैंग के साथ में मिलकर कुछ ना कुछ तो कांड करवाया है। तो सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ ब्रो अपने गैरेज में, एंड तुम देख सकते हो भाई कि अपने गैरेज में ना अपना ट्रक वापस यहाँ पर खड़ा कर दिया है मैंने। इसके अंदर अपना जो टॉप सीक्रेट व्हीकल था जिससे अपन कल भाई फुल ऑन तबाही मचाई थी ना, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एंड ये अपनी चोरी की कार है जो पिछले वीडियो में अपन लाए थे, तो इसको लेकर चलते हैं ब्रो अभी अपन, बिकॉज यार ये एक ऐसा व्हीकल है जिसको देखने के बाद पुलिस अपने ऊपर शक नहीं करेगी, नहीं तो यार अगर अपन खुद का व्हीकल निकालेंगे ना भाई पुलिस पहचान लेकर अपने को पकड़ लेगी। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि अपन दूसरों के व्हीकल लेके चलेंगे। एंड यार सच बताऊं तो गाड़ी अंदर से काफी सही लगी है मेरे को, वैसे तो तुम देख रहे हो भाई डिजाइन दार है, पर इसको रख ले क्या यार, मतलब चोरी की है एंड रख सकते हैं यार, दिक्कत वाली बात तो नहीं है वैसे देख ले यार। बट अभी ना अपने को इसको रखने के बारे में नहीं सोचना है भाई, अभी अपने को सोचना है केवल केवल माइकल ट्रेवर एंड लेस्टर ब्या के बारे में यार, बिकॉज ना सच बता रहा हूँ मेरे को बड़ा अकेला अकेला फील हो रहा है यार, मतलब भाई फ्रैंकली पूरे लॉस सेंटर्स में अकेला पड़ गया है यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई गांव की तरफ, ठीक है, विलेज की तरफ। उसका रीजन ये है ब्रो, मैंने अभी लमार से पूछा था, ठीक है, कल के लमार ब्रो कैसे भी करके लॉस गैंग का पता लगा यार, अपने को उसके पास जाना है, वहाँ पे पेल के आना है उन लोगों का, ठीक है, उनको पूछेंगे भाई कि माइकल कहाँ पर है। तो लमार ने अपने को लोकेशन बताई है, वो बोल रहा है कि विलेज की तरफ एक अड्डा है उनका, ऑल्दो प्रॉपर अड्डा नहीं है उनका, छोटा मोटा है, लेकिन उसको वही पता है लमार को यार। अब तुम जानते हो भाई कि ये लेस्टर बिया तो अपने एक ही है ना, एंड लेस्टर बिया जैसी हैकिंग भाई कोई भी नहीं कर सकता है। तो अभी अपने को जो भी पता लगा है उससे काम चलाना पड़ेगा ब्रो, यही तो दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी यार। मतलब अभी ऐसा होता ना ब्रो कि यार माइकल किडनैप हो चुका है, लेस्टर बच रहा है, तो भी अपन बहुत इजीली काम चला लेते, बिकॉज जो लेस्टर बिया तुम जानते हो कितने बड़े हैकर है यार, बहुत चुटकियों में मतलब पता लगवा लेते हो कि माइकल कहाँ पे, लेकिन लेस्टर बिया खुद ही किडनैप हो गए यार। एंड अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे पता लगा है यार वो है कहाँ पे, अपने को तो हैकिंग आती नहीं है भाई। एंड तुम देख रहे हो भाई अपनी कार लग रही है ना रेड कलर, अच्छा लगता है यार, ये बात तो है ना, रेड कलर मतलब लगता तो है भाई कुछ, कल से दिमाग खराब हो रखा है, कुछ ना कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा ना। अभी तुम देख रहे हो इतना दिमाग खराब है कि मैं रॉन्ग साइड आ गया, अब बताओ क्या करूं मैं यार, बीच रास्ते में आ गया हूं मैं यार। एंड इसको क्या हो रहा है भाई, अरे रुक जाओ यार मेरे को जाने दो यहाँ से, अरे सर सॉरी यार मैं गलत रास्ते पे आ गया, मेरे को जगह दे दो तुम लोग जाने के लिए यार प्लीज। भाई क्या हो रहा है, कैसे लोग यार, रुकता ही नहीं है भाई कोई भी यहाँ पर तो। ओके भाई स्किल्स है अपनी यार, दिक्कत वाली बात नहीं, अपन टकरा नहीं सकते, ठीक है, आपके भाई की स्किल्स फुल ऑन चल रही है आजकल, है ना, ये देख रहे हो तो, ये हुई बात यार। ओके क्या बात है फ्रैंकलिन, भाई अपन बहुत मजाक कर रहे हैं, अपने को भी ध्यान देना चाहिए लॉस्ट गैंग को ढूंढने में, ठीक है ना, अपने को गाड़ी के बारे में नहीं सोचना है अभी, टोटल अपने को फोकस करना है भाई लॉस्ट गैंग के अड्डे पर। ओके एंड ये कैसे लोकेशन भेजी है भाई लमार ने, सच तो भेजी है ना यार, ये लोकेशन है ना कि कुछ मजाक कर रहा है लमार मेरे साथ में, भाई क्या एरिया है यार ये, सड़क भी नहीं है यहाँ पर तो। ओके तो यार ये वाला प्लेन तुम देख रहे हो ब्रो, एंड ये हैंगर तो यार ट्रेवर का है भाई, तो ट्रेवर के हैंगर के पास में लॉस्ट गैंग का अड्डा है। अब एक काम करते हैं, मैं उतरता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अरे नॉर्मल बंदे की तरह जाएंगे अपन, ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है भाई। अभी अपन जाने के बाद क्या कहेंगे ना, आजू बाजू देखेंगे भाई, ये क्या मेरे ऊपर ही एम लगा के खड़े हैं क्या ब्रो, इतनी टाइम सिक्योरिटी हो गई क्या इनकी, पहले तो कभी नहीं थी यार ऐसी, पहले तो आराम से भाई खड़े खड़े मजे करते थे यार, अब तो मेरे को ज्यादा शक हो रहा है ब्रो कि इनके पास ही तो नहीं है कहीं माइकल। काम करते हैं अपन अंदर जाते हैं, ठीक है ना, मस्त एटीट्यूड में जाते हैं भाई, शक नहीं होना चाहिए, कॉज ब्रो की फीचर इज दी कॉन्फिडेंस। ओके अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना तो ये शूट कर देंगे। सर नेम मार रहा है यार मैं किसी को,
देख लो क्या चल रहा है यहाँ पर। ये जो इनको मैन आदमी है ना ब्रो, शायद यही है। जितना मेरे को पता है कोई खास बड़ा अड्डा तो है नहीं, ये काम करते हैं अपने से पूछ लेते हैं। हाँ ब्रो क्या हाल है? बहुत सही। तो ब्रो अभी मैंने क्या कहना ना, इन लोगों को मजाक मजाक में ऐसा बोला था कि मैं माफिया के बेटे का दोस्त हूँ, ठीक है, बहुत पुराना दोस्त हूँ, एंड मैं उसके बारे में जानकर निकाल के ट्राई कर रहा हूँ, बट ब्रो बता नहीं रहे मेरे को कुछ भी, है ना। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई इनको पता तो है बट ये बता नहीं रहे, है ना, आप चला करके। अब तुम जानते हो भाई, कोई अपने साथ ऐसा करता है तो अपने को क्या आता है, ठीक है ना। अपन भाई दोस्त समझ के बात कर रहे थे, अगर इनको नहीं पता ना नॉर्मल तरीके से तो भाई अपने और भी तरीके आते हैं, एंड वो तरीके भी मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। तैयार हो जाओ ब्रो तुम, ठीक है। सबसे पहले मैं उड़ाऊंगा यहाँ से इसको, ओके ओके। तुमने मारना चालू कर दिया अपने को, ठीक है। इसको तो मैं बताता हूँ भाई, अभी बहुत दिमाग खराब कर रहा है मेरा। किधर है, किधर है? ये ले भाई, तुमने ना सारी की सारी हद पार कर दी आज तो। कौन है इधर? है इधर, हट इधर, मर इधर। और किधर बच रहा है भाई, कोई बच रहा है क्या बीबी? अरे बच्चे तुम्हारे छोटा मोटा अड्डा है, आराम से जियो यहाँ पर यार, क्यों पंगा ले रहे हो मेरे से? हाँ ये बताओ एक बार, कौन है भाई, कौन मार रहा है? और ये ओके सर, गलत टाइम पर नोट कर रहे हो आप यार, ठीक है। ओके ब्रो शायद यहाँ बच रहा है। कहाँ पर छुप रहे हो सर, कहाँ पर? क्यों छुपना है आपको इतना, मेरे को बताओ एक बार। वो भाई गड्ढे निकल रही है इसके पास से यार। देखो बिजनेस माइंड हमेशा रहना चाहिए आपका, ठीक है। $12 मिले आप दो अपने को। ओके भाई जो तुम देख रहे हो अपने सबको मार दिया है भाई, इसको इतना बुरा पीटा है ना मैंने तो, देख रहे हैं यहाँ पर भाई, लगा लगा के पेले गए इसको, है ना। ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा अभी, तुम देख रहे हो भाई, खड़े होने की हालत में नहीं है वो। जितना मेरे को भी समझ में आ रहा है भाई, ये एम्बुलेंस की आवाज लग रही है शायद, कहाँ पर एम्बुलेंस? अगर इनको कोई बचाने आया ना भाई, बहुत ही बुरा माना जाएगा, ठीक है मेरे हाथ से। ओहो ओहो भाई एम्बुलेंस आई हुई है, तो किधर एम्बुलेंस वालों? तुमको यार इनको जब मैं बचाना होता है यार, तो मतलब सब क्या मेरे खिलाफ क्या आए हो क्या हमेशा के लिए भाई? जब देखो जब मेरे दुश्मन को जब भी बचाने आते हो तुम, हद हो गई है यार। अभी जाता हूँ कुछ आदमी के पास, कहीं पता लगे भाग जाए पीछे से, ठीक है ना। इसको लेना है भाई धर के, अब इसको पूरा पीटता हूँ मैं ना, एंड अब पीटता हूँ मैं थोड़ी देर बाद में। तो ब्रो तुम देख रहे हो अपने इसको इतना बुरा पीटा है ना भाई, पीट पीट के हालत खराब कर दी है इसकी। एंड मैं जब से पूछ रहा हूँ भाई, तुम बता दे कहाँ पर है माफिया का बेटा, बता दे। एंड फाइनली इसने बता दिया है, ठीक है, अच्छी बात यह है भाई, बहुत सही भैया आपने सही बता दिया, सब कुछ ठीक है। एंड इसने अपने को बता दिया, खड़ा होना था भैया, आपको खड़े तो नहीं होना था यार, खड़े होकर आपने गलती कर दी है सर, सॉरी यार, बट मारना पड़ेगा मेरे बाप को, ठीक है। ओके ब्रो तो अपन ने इसको मार दिया है, और तो ये थोड़ा रूल के खिलाफ था, बट भाई तुम पता है ना जंग में सब कुछ जाहिर होता है, ठीक है। अब मारना पड़ा उसको, क्या करते हैं भाई, जिंदा थोड़ा के बता देता है इधर उधर। एंड अभी अपन चलते हैं यहाँ से, मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ ब्रो इन्होंने मेरे को एग्जैक्टली क्या क्या बताया, ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से भाई। तो ब्रो लास्ट गैंग वालों ने मेरे को ये बताया यार कि जो बेटा है ना माफिया का, वो सुबह भाई आज सुबह वो मिला था इनको इनके मैन अड्डे पर, ठीक है ना। इनका मैन अड्डा भाई डायमंड कैसीनो के पास में। अब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने आप पर यार कि ब्रो अगर अपन पहले ही चल जाते ना डायमंड कैसीनो, बिकॉज अपने घर के काफी पास पड़ता है वो, तो शायद अपने को मिल जाता वो बंदा। बट कोई नहीं भाई, लम्मा ने अपने को ये लोकेशन बताई थी तो अपन यहाँ पर आए। अभी मैं जल्दी से भगा के ले जाता हूँ, ठीक है, अपनी कार को। क्या पता भाई अभी भी वो माफिया का बच्चा वहां पर ही हो, ठीक है ना। माफिया का बच्चा मतलब असली वाला बच्चा, ठीक है ना। वहां ऑल द ब्रो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर, तुम देख रहे हो भाई 3 बजने वाले हैं अभी। वैसे टाइम तो काफी हो गया है यार, बट फिर भी उम्मीद तो है भाई कि उसका बेटा वहीं मिल जाए माफिया का, एक बार धज्जे उड़ा दूंगा भाई। ऑल द ब्रो मैंने इस आदमी से ना यार माइकल के बारे में बहुत ज्यादा पूछने की ट्राई करी, बट इसको सच्ची में नहीं पता है उसके बारे में यार कि माइकल एग्जैक्टली है का। उसको बस इतना पता है कि माफिया का बेटा जो है वो उनके मैन अड्डे पर आज सुबह था, ठीक है ना। ओके तुम देख रहे हो भाई क्या स्पीड से निकाल रहा हूँ मैं तो यार, पूरा जोर लगा के, ठीक है, 150 का राउंड भगा रहा हूँ। इससे ज्यादा भाई ये कार भागती नहीं है, तो मैं क्या करूँ यार, ये बताओ तुम। एंड ब्रो अगर उस माफिया के बेटे को पता हुआ ना कि माइकल कहाँ पर है, उसने किडनैप कराया होगा ना भाई, बहुत बुरा पीटूंगा, ठीक है ना मैं उसको। एंड लेफ्टर से पिटवाऊंगा भाई, अलग टॉर्चर करवा के। एंड अगर उसको नहीं पता है माइकल का, उसको कुछ भी लेने देना नहीं है, तो फिर तो मैं ही पीटूंगा। देखो पिटना लेकिन पक्का है उस आदमी का, ठीक है ना, वो बचेगा तो नहीं यार। ऑल दो भाई एक काम अभी तक बढ़िया हुआ है कि अपन सिटी में भी आ चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस को नहीं पता है अपने बारे में ना, पुलिस अपने को पहचान नहीं दिया यार, अपना क्लेवर माइंड है ब्रो ये, पूरा रूप चेंज कर लिया है अपन ने, ठीक है ना। ओके ब्रो तो अभी अपन पहुंचने वाले हैं ना लॉस्ट गैंग के मैन अड्डे पर, चलते हैं अभी अपन इधर ही। कहीं तो बताया था मेरे को उस आदमी ने, मेरा भाई तुम देख रहे हो यहाँ पे इतनी भीड़ खड़ी है ना आगे, ब्रो यही अड्डा है शायद इन लोगों का। एक काम करता हूँ मैं इधर अपनी गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। ब्रो कितनी भीड़ है भाई साहब यहाँ पर यार, तो देख रहे हो ब्रो बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। एंड अपने पास में 2-3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो यह है ब्रो कि मैं सीधे इनको मार दूं, ठीक है, उसके बाद में एक को पकड़ के एंड पूछूं भाई कहाँ पर माफिया का बेटा। एंड दूसरा तरीका जो मेरे पास है ब्रो वो है कि इनको छुप छुप के मारूं मैं, ठीक है। रीजन ये है अगर यहाँ पर माफिया का बेटा हुआ ना तो भागेगा नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। एंड दूसरा रीजन ये है कि भाई पुलिस भी अपने पीछे नहीं पड़ेगी, तो मैं दूसरा तरीका आजमा रहा हूँ यार। ये रही अपनी पिस्टल, ठीक है ना, इसके अंदर सप्रेसर लगा हुआ है। एंड अभी पहला स्टार्ट करते हैं अपन। ओके सर, ओके सर, बहुत सही भाई, कितना भाई पड़ा नहीं इसको यार, मेरे को लगा था इसको लग गई यार, हद हो गई है भाई, ये चीटिंग हो गई मेरे साथ। अरे भाग कर रहा है यार, मरना तो तेरे को वैसे भी है, क्या मजाक कर रहा है यार, हट।
मैं तो भाई सोचा था कि तुमको मैं आराम से मारूंगा। भाई साहब कितने लोग आ गए हो यार, इतने बंदे आने की क्या जरूरत पड़ गई भाई एक को मारने के लिए यार, हद है, चीटिंग होती है। तो मैं तो ऊपर चढ़ रहा हूँ भाई यार, सेफ रहेगा, इतने लोग आ गए यार। सच्ची में मेरे को लगा था इतने लोग आ जाएंगे यहाँ पर। एंड किस साइड जाऊँ, काम करता हूँ यहाँ पे चढ़ता हूँ मैं बहुत खूब। एंड अभी काम करता हूँ यहाँ से निकलता हूँ मैं। एंड यहाँ से पहले जाएंगे भाई, आज सबके सब लोग ठीक है। बहुत आया ना बड़ा भाग कर रहा है सर, मर जा। और कहाँ पर हो भाई तुम लोग, इस सामने तो आओ यार, कहाँ भाग रहे हो? ओ भाई कहाँ भाग रहे हैं यार ये लोग, ओहो फट्टू, रुक 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 रुक, अब कहाँ भाग रहे हो तुम? रुको भाई, तुमको तो भगा भगा के मारूंगा आज मैं। ओके ब्रो, तो ये रहे बंदे ठीक है ना, यहाँ पर ही है ये, इधर आओ तुम, इस सामने आओ एक बार मेरे भाई। ऐसा पहले जाओगे ना भाई, कैसे आ रहा है भाग के भाई, गोली हो तो आना, बिना गोली के आ रहा है, मरेगा ही भाई क्या? कम दिमाग के लोग है यार ये लोग। अरे मर जा, अरे मर जा भाई, ये मरने को तैयार नहीं है यार। तुम क्या कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे मार रहे हो मेरे को यार? एम्बुलेंस बाहर निकल जा, सच बता रहा हूँ, ऐसा पूरा पी लूंगा ना। अरे मर तू इधर ही यार, बड़ा है मेरे को मारने वाला, एम्बुलेंस भाग देना यहाँ से। ओके ब्रो, अभी एक काम करते हैं ठीक है, बाकी इनके बंदे आए उससे पहले अपन अंदर देख रहे थे भाई, अंदर क्या माहौल चल रहा है ठीक है। ओ गाने आने बजा रखे भाई इन लोगों ने, तुम देख रहे हो इधर कोई है क्या? कोई सर क्या खड़े हो यहाँ पर, आपको क्या लगता है मजाक हो रहा है यहाँ पर? बाहर हम लड़ रहे हैं भाई, आराम से खड़े हैं अंदर की तरफ। एंड यार इधर तो मेरे को कहीं भी दिख रहा है भाई वो बेटा जो माफिया का है यार, यार माफिया का बेटा वापस निकल गया क्या यहाँ से यार? ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये क्या चीज़ है, इसको फोड़ के देखूँ क्या मैं? कुछ हो रहा है, पानी निकल रहा है, कोई बात नहीं है इसको छोड़ो तुम। एंड इसमें क्या है भाई, इसमें कोई है क्या? एंड कर ले टॉयलेट कर ले भाई, टॉयलेट करने वालों को नहीं मानना चाहिए ठीक है ना, फिर वापस आते नहीं यार। ओके इसको डिस्टर्ब अपन नहीं करेंगे यार, तो अपन इस रूम में चलते हैं। भाई साहब क्या हो रहा है ये यार, लाशों का ढेर, ओहो भाई क्या बात है। कोई नहीं भाई, इसको यहाँ पर रहने देते हैं, अपन ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं ठीक है, अभी बाहर निकलते हैं। ओके एंड क्या हो रहा है फिर, ये क्या हो रहा है भाई, इतनी पुलिस कहाँ से आ रही है ये? भाई क्या मजाक हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ पीछे से यार, यार ये पुलिस भाई इसको कैसे पता लग गया मैं वापस यहाँ पर ही हूँ यार? जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, अपनी गाड़ी का है, गाड़ी में बैठता हूँ मैं भाई, निकलता हूँ यहाँ से यार। हद हो गई है ब्रो, एक तो ये हेलीकॉप्टर है ना भाई, इससे जिंदगी खराब कर रखी है मेरी, सच बता रहा हूँ। फूटने वाला है क्या? फूट जा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है इनका। आया मजा मेरे को तो बड़ा आया यार, यहाँ से निकलते हैं भाई अभी के अभी अपन है ना। ओके ब्रो, तो फाइनली मैं तो निकल लिया हूँ भाई पुलिस से बच के है ना। एंड अभी भी पुलिस आ रही है लेकिन आगे की तरफ, ओ नहीं बचा बचा बचा, बहुत ही बढ़िया यार, क्या लैंडिंग करी है भाई अपन ने हाईवे पे, तुम देख रहे हो ब्रो, मतलब क्या ही बात है यार। अभी निकलते हैं अपन यहाँ से ठीक है। एक तो यार ये पुलिस का ना डेली का हो गया भाई, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब हर दिन पीछे पड़ जाती है यार बिना मतलब ही। अब भाई मेरे को ये बताओ तुम लोग, ये पुलिस जो लॉस्टिंग वालों के पीछे क्यों नहीं पड़ा बताओ? मेरे पीछे क्यों पड़ी है पुलिस यार? हर बार इन्हें स्ट्रेटेजी बना रखी है भाई, इनको पता है कि अपन एक ऐसे बंदे हैं और ठोक रही है मेरे को भाई। पुलिस को पता है कि अपन एक ऐसे बंदे जो हमेशा सच्चाई के लिए खड़े होते हैं ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए ब्रो, इसलिए अपने पीछे है ये पुलिस। ओके ब्रो, तो मेरे को फाइनली यार रेलवे ट्रैक मिल गया है, अब मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर ही जाने वाला हूँ ठीक है ना, ज्यादा नाटक नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं टनल मेरे को मिलेगी तब पक्का है। एंड वहां पे पुलिस पीछा छोड़ दे शायद ठीक है, अभी तक बस फोर्स स्टार पुलिस ही है यार, वैसे फोर्स स्टार काफी ज्यादा होता है, बट कोई नहीं भाई मैं पूरी भगा रहा हूँ ठीक है अपनी कार को, जितनी जान है ना कार में पूरी लगा रहा हूँ भाई। ओके ब्रो, पुलिस को अभी तक नहीं दिख रहे अपन ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, क्या भगा रहा हूँ मैं गाड़ी, एक तो गाड़ी काफी फूट गई अपनी, नई गाड़ी चोरी करनी पड़ेगी मेरे को ऐसा लग रहा है। ओहो भाई पुलिस यहाँ भी आ गई है यार, क्या कर रही है पुलिस यार, माफ कर दे ब्रो। ओहो ओहो भाई क्या बचाऊंगा, तुम देख रहे हो। ओके भाई फाइनली मैं कोई एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ ठीक है ना, जहाँ पे शायद भाई पुलिस अपने को नहीं देख सकती है। कम ऑन फ्रैंकलिन, निकल यहाँ से, निकल चल पीछे की तरफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शायद नहीं देखे भाई। यस यस भाई फाइनली पुलिस ने अपना पीछा छोड़ दिया, तुम देख रहे हो भाई, तो ब्रो देख रहे हो पुलिस यहाँ तक आ गई थी भाई टनल तक, फाइनली अपना पीछा छोड़ दिया है पुलिस ने है ना। मैं इन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, सर थैंक यू यार, आप बहुत लकी हो, हाथ मिलाओ सर यार, आप ही हो जिसने बचा लिया मेरे को, थैंक यू यार। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से ठीक है ना, कभी चाय पे बुला लेना यार मन करे तो ब्रो। तो यार ओवरऑल बात ये है, पुलिस ने अपना पीछा छोड़ दिया है भाई, लेकिन अपनी गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो गई, तुम देख रहे हो भाई काफी टूट फूट गई है। एंड अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ब्रो ठीक है अपने घर की तरफ यार। भाई आज भी अपने को नहीं पता लगा यार माइकल एंड लेस्टर है कहाँ पे यार, एक तो वो माफिया का बच्चा ना ब्रो निकल गया हाथ से ठीक है, वो लंबा ने गलत लोकेशन भेज दी मेरे को स्टार्टिंग में, मतलब गलत तो क्या ही थी यार, अपन सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंचे यार, हालत खराब हो गई है भाई अपनी ढूंढते ढूंढते ठीक है ना। बट ब्रो अपन हिम्मत नहीं हारेंगे ठीक है, तुम लोग अभी कभी मेरे को कमेंट्स में लिख के ये बताओ भाई, वो माफिया का बच्चा जा कहां सकता है यार आखिरकार ठीक है ना, तो तुम लोग अभी कमेंट्स में मेरे को ये चीज बताओ। एंड ब्रो खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को, मेरे को इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, बिकॉज ब्रो मैं वहां पे जल्दी अपने सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग डालने वाला हूँ ना, मतलब वीडियो जो है भाई सिल्वर प्ले बटन का आधा पता शूट हो गया, कुछ दिनों में आ जाएगा ठीक है, तो इंस्टा पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। खत्म करते हैं इस वीडियो को यार, #game